कम मेरे प्यारे-प्यारे बच्चों आज हम आपकी डिमांड पे डिस्कस करेंगे क्षेत्रमिति ठीक है आप ही ने सिलेक्ट किया था क्षेत्रमिति तो आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति इस आवाज को बच्चों थोड़ा अवॉइड करिएगा चुनाव की वजह से बहुत शोर है ओके थैंक यू चलिए स्टार्ट करते हैं क्षेत्रमिति को इंग्लिश में हम कहते हैं mensuration क्या कहते हैं बच्चों mensuration ओके क्षेत्रमिति का मतलब क्या होता है ज्यामिती आकृतियों का क्षेत्रफल आयतन तथा परिमाप इसमें तीन चीजें आती हैं क्षेत्रफल, आयतन तथा परिमाप अब ये होती क्या है ये आगे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि ज्यामिति आकृतियां क्या होती हैं हमने पढ़ा ना कि ज्यामिति आकृतियों का क्षेत्रफल आयतन तथा परिमाप हमें डायरेक्ट पढ़ा दिया जाता है कि इस चीज़ के आयतन का ये सूत्र है इस चीज के क्षेत्रफल का ये सूत्र है इस चीज़ के परिमाप का ये सूत्र है ना लेकिन ज्यामिति आकृतियां जो हमने बचपन में पढ़ी हैं उसको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिफिकेशन करना जरूरी है ज्यामिति आकृतियां मेनली दो तरह की होती हैं एक होता है टू डी आकृतियाँ दूसरा होता है थ्री डी आकृतियाँ टू डी आकृतियों को हम द्वि आयामी या द्विविमी आकृतियां कहते हैं थ्री आकृतियों को हम त्रिविमीय या त्रि आयामी आकृतियां कहते हैं इनका दूसरा नाम टू आकृतियों का दूसरा नाम होता है समतल आकृति इसमें लंबाई व चौड़ाई होती है इसमें आ जाता है हमारा आयत वर्ग वृत्त और त्रिभुज जो थ्री डी आकृतियां हैं ये ठोस आकृतियां होती हैं इसमें आता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इनमें आता है घनाभ घन गोला शंकु और प्रिज्म ठीक है टू डी आकृतियों के एग्जाम्पल में सबसे पहले आता है बच्चों आयत देखिए आयत इस तरह की डिजाइन होती है इसमें क्या क्या है लंबाई है और चौड़ाई है ठीक है लंबाई है और चौड़ाई है और ऊंचाई नहीं है तो ये कैसी आकृति है ये टू डी आकृति है इसको केवल हम टू डायमेंशन में देख रहे हैं लंबाई और चौड़ाई बस टू डायमेंशन में हम इसको देख रहे हैं इसका सेकेंड एग्जाम्पल जो है बच्चों ये होता है वर्ग वर्ग में क्या है यह भी टू डी आकृति है और इसकी चारों गुजाए बराबर होती हैं तीसरा जो आता है वृत्त वृत्त का एग्जाम्पल बच्चों होता है चूड़ी जो हम चूड़ी पहनते हैं वो चूड़ी एक वृत्त का अच्छा एग्जाम्पल होता है नेक्स्ट इसका जो एग्जाम्पल होता है बच्चों ये होता है त्रिभुज देखिए ये भी एक समतल आकृति है है ना इसको भी हम केवल दो डायमेंशन में देख रहे हैं तीन डायमेंशन में हम इसको नहीं देख रहे हैं ओके थ्री डी आकृतियां कैसी होंगी उसका एग्जाम्पल देखिए ये देखिए ये एक घन का एग्जाम्पल है ये हो गई इसकी लंबाई ये हो गई चौड़ाई और ये हो गई ऊंचाई अब चूंकि ये घन है तो ये तीनों बराबर होगा तो यहां पे भुजा भुजा और भुजा इस तरह की आकृति घन होती है अब देखिए इसको हमने थ्री डायमेंशन में हम देख रहे हैं यहां लंबाई में भी देख रहे हैं चौड़ाई में भी देख रहे हैं और यहां ऊंचाई में भी देख रहे हैं तो ये कैसी आकृति ये थ्री या ठोस आकृति है घना आप के एग्जाम्पल के लिए आप इस बॉक्स को देख सकते हैं देखिए लंबाई चौड़ाई और इसकी ये ऊंचाई तीन डायमेंशन आपको एक साथ दिख रहे हैं दिख रहे हैं ना देखिए ये डायमेंशन ये डायमेंशन इसको x सम्मान लीजिए y और z तीनों डायमेंशन में हमको ये दिख रहा है तो ये कैसी आकृति थ्री आकृति या ठोस आकृति और ये जो आयत है ये टू आकृति देखिए इसमें केवल लंबाई है चौड़ाई है लेकिन कोई ऊंचाई नहीं है इसमें लंबाई भी है चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है ठीक है या दूसरे शब्द में हम इसको कहते हैं ठोस आकृति ठोस आकृति जिसके अंदर कुछ भरा जा सके और समतल आकृति जो केवल एक तल पर हो इसमें कुछ भर नहीं सकते हैं आप ठीक है इसके ऊपर रख सकते हैं लेकिन इसमें नहीं भर सकते हैं जबकि इस बॉक्स में देखिए कलर्स भरे हुए हैं ठीक है थीके? तो यानी इसके अंदर हम कुछ भर सकते हैं तो ये ठोस आकृति है या इसके अंदर कुछ भरा हुआ है तो वो ठोस आकृति है ये बॉटल भी एक ठोस आकृति है क्यों क्योंकि इसके अंदर कलर भरा हुआ है देखिए कलर भरा हुआ है ठीक है तो ये ठोस आकृतियों के एग्जाम्पल्स होते हैं और इस तरह से जो प्लेन आपके समतल आकृतियाँ कहिए उनमें हम कुछ भर नहीं सकते हैं उनके ऊपर रख सकते हैं आई होप आपको टू और थ्री डी आकृतियाँ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी देखिए टू डी आकृतियों का हम क्षेत्रफल लेते हैं और परिमाप थ्री डी आकृतियों का हम आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल को कंसिडर करते हैं बच्चों हमने आकृतियां सीख ली कि ज्यामिति आकृतियां क्या होती हैं अब हमारा दूसरी जो लाइन थी उसमें था क्षेत्रफल परिमाप और आयतन तो हम ये जानेंगे पहले कि यह होता क्या है क्षेत्रफल एक बंद समतल टू आकृति के पृष्ठ द्वारा घेरा गया माप ठीक है एक बंद समतल आकृति के पृष्ठ द्वारा घेरा गया माप जैसे ये आपका एक वर्ग है तो ये जो एरिया जो इसके द्वारा कवर किया गया है जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया मान लीजिए इसको मैं यहां रखती हूं तो ये जितना एरिया ये कवर कर रहा है ठीक है इस एरिया को हम क्या कहेंगे इसका क्षेत्रफल यहाँ पे मैंने फिगर के जरिए समझाया इस एरिया को जिसने कवर किया तो ये इसका क्षेत्रफल ठीक इसी तरह से त्रिभुज वाले में है हम इसको ऐसे रख देंगे तो इसने जितना भी एरिया कवर किया ये ये इसका क्या होगा क्षेत्रफल सेम चीज आयत पे भी अप्लाई होती है अगर हम इस तरह से रखें देखिए ये यहां पे आयत का डिजाइन बना है तो ये पूरा एरिया जो ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये क्या हो जाएगा इस आयत का क्षेत्र अब बच्चों परिमाप क्या होता है परी का मतलब होता है चारोर और माप का अर्थ होता है मापना मतलब किसी भी आकृति के टूटी आकृति के सभी भुजाओं का योग जैसे अगर मान लीजिए इसका परिमाप देखना है तो हम यहाँ से चलेंगे और इसके चारों ओर चल के यहाँ पहुंचेंगे तो ऐसा करने के लिए हमें चारों को जोड़ना पड़ेगा अब ये मैंने लाइन थोड़ी ऊपर खींची चलना हमें इसी के ऊपर है देखिए इस एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करती हूँ फिर यहाँ पे चल के फिर यहाँ पे चल के और वापस इस जगह पे आ जाती हूँ इसी कॉर्नर पे तो इसको हम कहेंगे इसका परिमाप अब इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्लस यहां से यहां तक की दूरी प्लस यहां से यहां तक की दूरी ये हो गया इसका परिमाप इसी तरह से त्रिभुज का देखिए मैंने ये बनाया फिगर तो हम कहां से चलेंगे कहीं से भी आप चलिए यहां से चलिए यहां जाइए फिर यहां से चलिए यहां आइए फिर यहां से चलिए यहां जाइए इस पूरे एक दूरी को जो हम कवर करेंगे उस दूरी को हम कहेंगे इसका परिमाप सेम टू सेम आयत पे भी अप्लाई होता है आई होप आपको समझ में आए क्षेत्रफल मतलब उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल और परिमाप मतलब इसके चारों ओर का माप तीसरी चीज जो आती है बच्चों वो आती है आयतन आयतन थ्री वस्तुओं द्वारा घेरा गया त्रिविमीय स्थान है ना वस्तु द्वारा घेरा गया त्रिविमीय स्थान देखिए ये बॉक्स है तो इसके अंदर जितनी भी वस्तु भरी जा सकती है वो इसका पूरा जो इसने स्थान घेर रखा है अंदर में उसको हम कहेंगे इसका आयतन जैसे ये बॉक्स है तो इस बॉक्स के आयतन को हम क्या कहेंगे इसने यहाँ पे जो भी स्थान घेरा मतलब यहाँ पे मैंने रख दिया तो इसने नीचे भी घेरा ऊपर भी घेरा ये पूरा स्थान ये पूरा स्थान क्या कहलाएगा आयतन, ठीक है? नेक्स्ट बच्चों हम गिलास वगैरह में देखते हैं या बॉल में देखते हैं तो अगर मान लीजिए गिलास में पूरा पानी भरा है तो वो क्या कहलाता है उस गिलास की धारिता कहलाएगा ठीक है उस गिलास की धारिता कहलाएगा लेकिन इसके अंदर जो द्रव भरा है वो उसका आयतन क्या होगा वही गिलास की धारिता बस हम धारिता और आयतन को अलग अलग मात्रक में डिनोट करते हैं आप ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए आप डायरेक्ट समझ लीजिए कि जितनी भी थ्री डी आकृतियां होती हैं यानी थ्री आकृतियां होती हैं वो जितना भी स्थान घेरेंगी वो क्या कहलाएगा आयतन ठीक है एक और टॉपिक आता है बच्चों जिसे हम कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अगर मान लीजिए ये बॉक्स हमारे पास है ठीक है इसके हमने सारे टुकड़ों को काट काट के अलग कर दिया तो उन टुकड़ों का जितना भी क्षेत्रफल होगा यानी इसका क्षेत्रफल इसका इस वाले पृष्ठ का इस वाले पृष्ठ का इस वाले पृष्ठ का और इस वाले पृष्ठ का सबको हम जोड़ देंगे तो हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा सिंपल सादे शब्दों में अगर आप समझना चाहें मान लीजिए इस बॉक्स को मैं पूरा कवर करना चाहती हूँ एग्जैक्ट पूरा कवर उसको कवर करने के लिए जितने कागज की जरूरत होगी वही उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा नवोदय के कोर्स में बच्चों आपको टू आकृति और थ्री आकृतियों के बारे में पढ़ना है टू आकृति में जो हमें पढ़ना है उसमें हमें सबसे पहले चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है चतुर्भुज क्या होता है चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति इसका डिटेल रेखा गणित वाले वीडियो में आपको मिलेगा यहां पे आपको केवल क्षेत्रफल आयतन और परिमाप पढ़ना है ठीक है चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति कोई भी आकृति है जो चार भुजाओं से देखिए एक भुजा दो भुजा तीन भुजा चार भुजा और घिरी हुई मतलब बंद खुली हुई आकृति नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे चतुर्भुज अब पहला जो चतुर्भुज है वो हमें पढ़ना है वर्ग वर्ग में क्या होता है वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो देखिए ये एक चतुर्भुज है इसकी सभी भुजाएं समान है सबका मान ए है ठीक है और प्रत्येक कोण नाइन्टी डिग्री का होता है इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है नाइन्टी डिग्री का इसका प्रत्येक कोण नाइन्टी डिग्री का है तो हम इसे क्या कहेंगे वर्ग सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण नाइन्टी डिग्री का हो तो हम उसे कहेंगे वर्ग यहाँ पे जो एक रेखा मैंने बी डी खींची हुई है बच्चों इसको हम कहते हैं वर्ग का विकर्ण यानी विपरीत भुजाओं को आपस में मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं विकर्ण इसके कुछ सूत्र हैं बच्चों अभी हम इसको निकालना भी सीखेंगे क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा का वर्ग कैसे आया आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुड़े चौड़ाई ये कैसे होता है अभी वो भी हम सीखेंगे तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई एक ही है भुजा गुड़े भुजा तो भुजा का वर्ग या हम इसको लिख सकते हैं ए का स्क्वायर इसी तरह इसका परिमाप क्या होगा आपको पता है चारों भुजाओं को जोड़ देना है तो भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा यानी चार गुड़े भुजा या हम इसको कह सकते हैं फोर ए तो परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा वर्ग के चार गुड़े भुजा अब इसका जो मैंने विकर्ण तिरछा खींचा था बी डी तो विकर्ण बी डी बराबर किसके हो जाएगा अब यहाँ पे पैथागोरस प्रमेय लगेगा जिसका एक अलग वीडियो आएगा तो अंडर रूट बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर देखिए यहाँ पे बी डी ये आपका कर्ण है कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग उसी सूत्र से निकाला गया है कि बी डी बराबर अंडर रूट बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर अब चूंकि यहाँ पे दोनों बराबर हैं तो हम कह सकते हैं अंडर रूट भुजा का वर्ग प्लस भुजा का वर्ग अभी भुजा का वर्ग प्लस भुजा का वर्ग हो जाएगा टू भुजा का वर्ग अब रूट टू अंदर रह जाएगा भुजा बाहर निकल जाएगी क्योंकि भुजा का वर्ग है तो जब किसी चीज का वर्ग है तो वर्गमूल से बाहर आके वो सेम बन जाता है जैसे दो का वर्ग अगर लिखा है दो का वर्ग यानी चार तो चार का वर्गमूल दो उसी पैटर्न से हुआ है बच्चों भुजा का वर्ग तो जब ये रूट के बाहर जाएगा तो बन जाएगा भुजा तो ये हो जाएगा रूट टू भुजा या इंग्लिश में भी इसे लिख सकते हैं रूट टू ए ए क्या है वर्ग की एक भुजा वर्ग के क्षेत्रफल का एक और सूत्र होता है बच्चों हाफ विकर्ण का वर्ग ये भी निकालना भी हम सीखेंगे ठीक है हाफ विकर्ण का वर्ग ये तो हो गया सूत्र केवल आपको याद करने के लिए लेकिन मैं चाहती हूं कि आप समझ भी लीजिए तो देखिए कैसे निकालते हैं हम किसी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग ये हमें पता है पर यह आता कैसे है हमने एक वर्ग बना लिया ए बी सी डी अब ये भी चार सेंटीमीटर ये भी चार सेंटीमीटर अब यहाँ पे हम एक एक वर्ग सेंटीमीटर के बॉक्स को बना लेंगे ठीक है क्योंकि क्यों क्योंकि क्षेत्रफल को हम किसमें नापते हैं यूनिट में और यूनिट क्या है उसकी वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर मतलब वर्ग उसकी यूनिट है तो हम एक एक का वर्ग बना लेंगे एक से, यहाँ सेंटीमीटर है तो हम एक सेंटीमीटर गुड़े एक सेंटीमीटर का वर्ग ड्रॉ कर लेंगे अब हम काउंट करेंगे कुल कितने वर्ग बने हैं तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह कुल कितने वर्ग बने हैं सोलह तो यानी अगर हम इस तरह से इसका क्षेत्रफल निकालते हैं जोड़ के तो क्या आ रहा है सोलह सेंटीमीटर अब हम अपने सूत्र से निकालेंगे क्षेत्रफल बराबर भुजा गुड़े भूजा यानी चार गुड़े चार सेंटीमीटर तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा सोलह सेंटीमीटर का वर्ग है ना यानी सोलह वर्ग सेंटीमीटर इसको हम पढ़ेंगे सोलह वर्ग सेंटीमीटर देखिए यहां भी सोलह आया हमने जोड़ के निकाला यहां भी सोलह आया तो इसी से हमारे सूत्र का निर्माण हुआ था कि जब जहां हमने देखा हमारे जो गणितज्ञ थे उन्होंने देखा कि इस तरह से जोड़ जोड़ के भी निकालो पहले तो जोड़ के ही निकलता था वही चीज आ रही है अगर हम इस भुजा को इस भुजा में बुरा कर दें तो इससे एक सूत्र का निर्माण हो गया कि भुजा का स्क्वायर वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है अब देखिए हम मैंने अभी बताया कि वर्ग के क्षेत्रफल का एक और सूत्र होता है हाफ विकर्ण का वर्ग ये कैसे निकला आपको पता है कि क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग और विकर्ण बराबर रूट टू भुजा अभी हमने निकाला विकर्ण बराबर रूट टू भुजा अभी हमने सॉल्व किया था ना पीछे यहां पे देखिए विकर्ण बराबर रूट टू भुजा इसी सूत्र को हमने लिया है तो विकर्ण बराबर रूट टू भुजा तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा ये रूट टू इधर चला जाएगा विकर्ण बटा रूट टू अब यहाँ पे हम इसका मान यही रख देंगे देखिए अब यहाँ पे जो भुजा का वर्ग है इसमें हम इसका मान रख देंगे तो क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग और भुजा बराबर हमने क्या निकाला विकर्ण बटा रूट टू तो हम विकर्ण बटा रूट टू का वर्ग कर देंगे अब यह क्या हो जाएगा विकर्ण का वर्ग हो जाएगा और रूट टू इंटू रूट टू हो जाएगा आपको पता है कि रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है टू तो विकर्ण का वर्ग बटा टू इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं इसको बाहर ले जाइए तो आप डायरेक्ट रट लीजिए या अच्छे से समझ के तब पढ़िए सेकेंड जो आकृति है बच्चों वो है हमारी आयत आयत की क्या क्वालिटीज होती हैं आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और सम्मुख भुजाएं समानांतर होती हैं ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है देखिए ये वाली भुजा इस भुजा के समानांतर है और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समानांतर है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है इसका भी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है तो वो क्या कहलाएगा आयत इसमें दो चीजें होती हैं एक लंबाई और एक चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुड़े चौड़ाई अभी हम इसे भी निकालना सीखेंगे आयत का परिमाप अब तो देखिए हम इन चारों को जोड़ देंगे अभी मैंने बताया ना कि चारों को जोड़ दीजिए तो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई अब दो लंबाई हो गई और दो चौड़ाई तो दो को हम बाहर ले लेंगे तो दो गुड़े लंबाई धन चौड़ाई जो आपको पढ़ाया जाता है ना डायरेक्ट कि बच्चों रटो आयत का परिमाप बराबर दो गुड़े लंबाई धन चौड़ाई दो गुड़े लंबाई धन चौड़ाई लेकिन बताता कोई नहीं है बच्चों की यह आया कहाँ से आपको चारों बुजाओं को जोड़ना है लंबाई धन चौड़ाई धन लंबाई धन चौड़ाई अब दो लंबाई हो गई दो चौड़ाई दो को कॉमन ले लीजिए तो दो गुड़े लंबाई धन चौड़ाई इस तरह से सूत्रों का निर्माण हुआ है नेक्स्ट जो है बच्चों विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग वो तो अभी हमने निकाला ये जो विकर्ण है अभी आपका कर्ण है तो पैथागोरस प्रमेय के आधार पे विकर्ण का वर्ग बराबर होगा लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग अब इधर ले जाएंगे वर्ग को तो वो अंडर रूट बन जाएगा तो ये सूत्र का निर्माण हो गया हमारा पैथागोरस प्रमेय से अब देखिए आयत के क्षेत्रफल का निर्माण कैसे किया गया सूत्र का देखिए यहाँ पे छ सेंटीमीटर इसकी लंबाई है चार सेंटीमीटर चौड़ाई हमने इसको भी एक एक वर्ग सेंटीमीटर के वर्ग को डिजाइन कर लिया अब हम गिन लेंगे कितने वर्ग हैं देखिए गिनने पे आ रहा है हमारे चौबीस वर्ग हैं अब क्षेत्रफल देखिए कुल वर्गाकार टाइल्स की संख्या तो चौबीस सेंटीमीटर वर्ग है ना या चौबीस वर्ग सेंटीमीटर क्योंकि ये एक जो खाना है वो एक वर्ग सेंटीमीटर का है दूसरे सूत्र से निकालिए लंबाई गुड़े चौड़ाई यानी आप डायरेक्ट अगर गुड़ा करके निकालिए तो देखिए छे चार गुड़े छे तो भी आपका आ रहा है चौबीस वर्ग सेंटीमीटर यहां पे भी जब गणितज्ञों ने बार बार इसको करके देखा तो हर आकृति में उन्हें यही मिला कि चाहे हम इस तरह से काउंट करके करें या हम मल्टीप्लाई करके करें तो मल्टीप्लाई करना ज्यादा ईजी था इसलिए उन्होंने एक सूत्र बना दिया कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुड़े चौड़ाई देखिए बच्चों आपके नवोदय में एक और क्वेश्चन अक्सर आता है मार्ग का क्षेत्रफल आयताकार मार्ग का क्षेत्रफल कई बार देखा है हमने एग्जाम में आया हुआ है इसको करते कैसे हैं देखिए आपको दे देगा एक ए बी सी डी पार्क दे देगा उसके अंदर पी क्यू आर एस क्षेत्र दे देगा और कहेगा ये जो बाद में आपकी ये जो यहाँ पे या टाइल्स लगी है या घास लगी है तो इस एरिए का क्षेत्रफल आपसे पूछेगा कह देगा कि लंबाई चालीस सेंटीमीटर है चौड़ाई तीस सेंटीमीटर और इस जो घास लगा इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है मार्ग की दो मीटर ठीक है तो अब आपको निकालना है ये कैसे करते हैं तो इसको करने के लिए देखिए आपको साफ दिख रहा है अगर हमको इस बड़े वाले का क्षेत्रफल हम निकाल लें और इस छोटे वाले का क्षेत्रफल निकाल लें बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए तो कौन सा एरिया बच रहा है यही एरिया तो बचेगा बच्चों तो हमें यही करना है पहले हम आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसकी लंबाई और चौड़ाई तो दी हुई है तो हमने गुड़ा कर लिया चालीस गुड़े तीस बराबर बारह सौ वर्ग मीटर अब हमें निकालना है अंदर वाले का क्षेत्रफल इसको कैसे निकालेंगे तो इसके लिए पहले हमें पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी होगी तो पी क्यू आर एस की लंबाई पी क्यू क्या बराबर हो जाएगी देखिए ये चालीस है दो इधर है और दो ही इधर है तो अगर हम इसमें में से दो और दो माइनस कर दें तो हमें इसकी लंबाई मिल जाएगी तो वही हमने किया है चालीस मीटर माइनस दो मीटर धन दो मीटर यानी छत्तीस मीटर लंबाई मिल गई इसी तरह अब हम चौड़ाई निकाल लेंगे तीस माइनस दो प्लस दो देखिए, पी क्यू आर एस की चौड़ाई तीस मीटर माइनस दो मीटर धन दो मीटर हो गया छब्बीस मीटर इसलिए पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल अब हम अंदर वाले एरिया का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं लंबाई चौड़ाई है मिल गई, तो लंबाई गुड़े चौड़ाई यानी छत्तीस मीटर गुड़े छब्बीस मीटर बराबर नौ सौ छत्तीस वर्ग मीटर नेक्स्ट देखिए मार्ग का क्षेत्रफल अब उस मार्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा एबीसीडी का क्षेत्रफल माइनस पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल है ना आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल तो इसका है बा दो एक हजार दो सौ वर्ग मीटर और इसका है नौ सौ छत्तीस वर्ग मीटर घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा दो सौ चौसठ वर्ग मीटर इस तरह से बच्चों हमको आयताकार मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है एक एग्जाम्पल के जरिए मैंने आपको समझा दिया नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे आधारित सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है सारे के सारे जो आकृति आती है बच्चों हमारी वो आती है त्रिभुज या ट्राइंगल अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने कैसे निकाला देखिए इसका सूत्र कैसे बना? ये आप इसे समझिए। एक हमने लिया है आयत ठीक है देखिए एक दो तीन चार पांच छः यूनिट एक दो तीन चार पांच यूनिट ठीक है इधर छः है इधर पांच हमने लिया एक आयत और उससे काट के बना दिया एक त्रिभुज तो आपको यहां पे साफ दिख रहा है कि इस वाले एरिया जो शेडेड है का क्षेत्रफल इस पूरे का आधा होगा है ना इसके आधार पे हम निकालते हैं त्रिभुज एबीसीडी का क्षेत्रफल आधा किसका एबीसीडी यानी चतुर्भुज एबीसीडी के क्षेत्रफल का तो एबीसीडी का क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई तो यहां पे चूंकि ये त्रिभुज को हम कंसिडर कर रहे हैं तो नीचे वाले को हम बोलेंगे आधार और इसको बोलेंगे ऊंचाई तो हाफ ए बी इंटू बी सी हम दूसरा फॉर्मूला बना सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ आधार गुड़े ऊंचाई अब आप कहेंगे हर त्रिभुज तो ऐसे होगा नहीं मैम तो मान लीजिए अगर त्रिभुज यहाँ भी बनता है इस तरह से भी हम बनाते हैं तो देखिए कुल खाने कितने हैं इधर छः है इधर, इधर पाँच तीस खाने हैं त्रिभुज के अंदर के खाने कितने हैं पंद्रह देखिए कैसे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और इसको हम कंसिडर करेंगे पंद्रह ठीक है कुल कितने हैं पंद्रह आधे बच्चे जो खाने हमारे आधे से कम है या आधे के बराबर हैं उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे आधे से ज़्यादा जो खाने हैं उन्हीं को हम काउंट कर रहे हैं ठीक है तो कितने खाने हैं पंद्रह तो ये भी इसका आधा ही तो है पंद्रह देखिए तीस का आधा है तो हम कह सकते हैं हाफ सिक्स इंटू फाइव या हम दूसरे उसमें लिखें तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हाफ एम एक्स इंटू वाई एक्स अब देखिए जितनी लंबाई वाई एक्स की है उतनी ही एनडब्ल्यू की है तो हम इसको चेंज कर देंगे हाफ एम एक्स इंटू एनडब्ल्यू यहां से भी हमारा सूत्र वही आ रहा है आधार गुड़े ऊंचाई अब यहाँ पे आधार इस त्रिभुज में ये होता है और ऊंचाई यहाँ बीचों बीच से सीधे शीर्ष से नीचे तक को हम ऊंचाई कहते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया हाफ आधार गुड़े ऊंचाई आपको डायरेक्ट रटिए मत बच्चों समझ के पढ़िए कभी नहीं भूलेगा देखिए अब आ जाती है हमारी थ्री डी आकृतियाँ थ्री डी आकृतियों में पहला है घनाब या क्यूबॉयड इसके क्या क्या क्वालिटीज होती हैं इसमें छः फलक होते हैं प्रत्येक फलक आयताकार होता है अब फलक क्या है आप देखिए एक फलक ये हो गया एक फलक ये नीचे वाला दो और फिर ये तीन चार पाँच और छः यानी ये छो इसके फलक हो गए एक दो तीन चार पाँच और छ आई होप आपके समझ में आ गया होगा छह फलक हैं ठीक है फिर प्रत्येक फलक आयताकार है देखिए सब आयताकार है सबकी लंबाई और चौड़ाई है विपरीत फलकों का क्षेत्रफल बराबर है देखिए जितना क्षेत्रफल इस एरिए का है उतना ही इस एरिए का है जितना इधर का है उतना ही इधर का है जितना इधर का है उतना इधर का है, है, है। यानी प्रत्येक के विपरीत फलक का क्षेत्रफल बराबर है और कितने फलक हैं एक दो तीन चार पांच और छह घनाप का आयतन लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई अभी हम इसको निकालना भी सीखेंगे बच्चों लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई वक्र पृष्ठ यानी इसके जो पृष्ठ हैं उनका क्षेत्रफल तो दो ब्रैकेट में लंबाई घुड़े चौड़ाई धन चौड़ाई गुड़े ऊंचाई धन लंबाई घुड़े ऊंचाई इसको भी निकालना हम सीख सकते हैं बच्चों लेकिन ये आपके कोर्स से बाहर है इसको आप केवल याद कर लीजिए कभी कभार इससे एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं इसका विकर्ण की लंबाई क्या होगी अंडर रूड लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग देखिए अब मैंने जो आपको छह फलक दिखाए थे जब अगर हम इसको इस तरह से खोल दें अगर हम इसको इस तरह से खोल दें तो हमें दिखेगा देखिए तली का फलक ढक्कन का फलक पीछे का फलक सामने का फलक बाया फलक दाइना फलक हमने इस बॉक्स को पूरा खोल के आपको दिखा दिया कितने फलक हैं एक दो तीन चार पाँच छ जो मैं अभी आपको गिनवा रही थी इस तरह से भी आप खोल के समझ सकते हैं अब देखिए हम सूत्र निकालना सीखेंगे देखिए चित्र में एक पट्टी का आयतन यहाँ पे देखिए ये आठ है ये छह है और ये एक है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा छह गुड़े आठ आयतन निकालना हो तो हम इसमें ऊंचाई को भी जोड़ लेते हैं तो इस पूरे में कितने बॉक्स हैं टोटल अगर आपको गिनने हो कितने बॉक्स हैं तो आप गिने अड़तालीस ठीक है थीके? अब एक और पट्टी या दो पट्टी हम और बढ़ा दिए तीन लाइन हो गई तो हमें क्या करना है अड़तालीस में तीन का गुड़ा करना है देखिए तो अड़तालीस में तीन का करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं छ गुड़े आठ गुड़े तीन यानी यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई ठीक है आंसर वही आ रहा है जिस तरह से अभी हमने वर्ग और आयत का निकालना सीखा उसी तरह हम छोटे छोटे बॉक्स में काट के इसको भी सीख सकते हैं सेम इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट जो आकृति है हमारी वो है घन इसको इंग्लिश में हम कहते हैं क्यूब इसमें क्या होता है इसमें सारे फलक बराबर होते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है जिसे हम ए से डिनोट करते हैं या हम इसको भुजा कह सकते हैं या हम इसको ए कह दें या हम इसको भुजा कह दें ठीक है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई की जगह हम लिखेंगे भुजा गुड़े भुजा गुड़े भुजा क्योंकि सब कुछ भुजा ही है बराबर भुजा का घन यह हम लिख हैं ए क्यूब आप जैसे भी याद कर सकते हैं याद कर लीजिए भुजा का घन या ए क्यूब इसकी सतह क्या हो जाएगी यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल छे गुड़े भुजा का वर्ग छे गुड़े भुजा का वर्ग इसको बस आप याद कर लीजिए क्योंकि आपके कोर्स से बाहर है इसका विकर्ण क्या होता है रूट थ्री भुजा रूट थ्री भुजा रूट थ्री भुजा इस पूरे टॉपिक पे आधारित प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं और कुछ एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन बच्चों हम नेक्स्ट वीक सॉल्व करेंगे तो बाय बाय बच्चों पढ़ते रहिए नवोदय की तरफ बढ़ते रहिए और अगर आपको कोई भी इसमें समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए उसके लिए एक अलग वीडियो आपको मिल जाएगी बाय बाय बच्चों बच्चों अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें